दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय अभिलाषी यूनिवर्सिटी। मंडी में सदर थाना पुलिस की टीम ने होमगार्ड के जवान और एक दंपत्ति को चरस की खेप के साथ गिरफ्तार किया है। होमगार्ड का यह जवान सिटी चौकी मंडी में तैनात है और कुछ दिन से छुट्टी पर था। जानकारी के अनुसार पुलिस की एक टीम भ्यूली के पास नाके पर तैनात थी। कुल्लू की तरफ से आ रही एक स्कॉर्पियो गाड़ी को जब जांच के लिए रोका गया तो इसमें 936 ग्राम चरस की खेप बरामद हुई। गाड़ी में उस वक्त होमगार्ड जवान सहित दंपत्ति बैठे हुए थे। सुखराम और लता देवी आपस में पति पत्नी बताए जा रहे हैं। ये तीनों सरकाघाट के रहने वाले हैं और कुल्लू अपने किसी रिश्तेदार के पास गए हुए थे। नाके पर तैनात पुलिस टीम ने इन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया और आज इन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से इन सभी को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। एसपी मंडी गुरदेव शर्मा ने बताया कि पकड़े गए लोगों में होमगार्ड का जवान भी शामिल है, जो सिटी चौकी मंडी में तैनात है। सर, कोई होमगार्ड और कुछ और लोग हैं चर्च के साथ पकड़े गए हैं। मंडी में पुलिस ने एक नाके के दौरान 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम सुखराम, लता देवी और महेश कुमार है। इनमें से महेश कुमार जो है होमगार्ड का जवान है और ये हमारे सिटी चौकी मंडी में डिप्लॉयड था, लेकिन अभी छुट्टी पे था। और इन तीनों के पोजेशन से पुलिस ने 926 ग्राम चरस बरामद की है। इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है और इनको जो है 4 दिन के पुलिस रिमांड पे भेजा गया है। और पुलिस इस केस की NDPSC एक्ट के तहत पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और इसकी पुलिस द्वारा जाँच की जा रही है।